हैं। बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 7 नवजात की मौत हो गई है, जिसमें नया खुलासा हुआ है। अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप ये भी है कि अस्पताल में सिलेंडर का स्टॉक रखा जाता था। वहां पर मौजूद लोगों ने आग लगने के वक्त के हालात भी बताए और दावा किया कि जब अस्पताल में आग लगी तो वहां पर धमाके हुए और ऑक्सीजन सिलेंडर रॉकेट बनकर वहां पर उड़ रहे थे। तो आसपास के लोगों ने देखे ये अस्पताल पर बड़ा आरोप लगाया है कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। ये बहुत बड़ा खुलासा जो आसपास के लोगों की तरफ से किया गया है, वो ये दावा कर रहे हैं कि सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था। तो मैं वैष्णो देवी जाना हूँ, आके बंद करा दूंगा। पूछो पूछो ये कितनी आवाज आती थी। भाई साहब ने कह के साउंड प्रूफ करवाया कमरा, ये खड़े ये पीछे खड़े, हम तो सारी रात सो नहीं पाते थे, इतनी आवाजें आती थी रिफिलिंग की। फिर इन्होंने उनसे बात करी तो बोले जब हम साउंड प्रूफ करा लेंगे कमरा, ये खड़े भाई साहब पूछो इनसे, इन्होंने करवा के दिए साउंड प्रूफ। तो लोगों को आप सुन रहे थे, आरोप लगा रहे हैं कि सिलेंडर रिफिलिंग का काम होता था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या अपडेट है? दिल्ली से दिव्यांकर हमारे साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट है। दिव्यांकर, लोगों ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि अस्पताल में सिलेंडर रिफिलिंग का काम किया जाता था, क्या वाकई जब आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आसपास लोगों से बात कर रहे हैं, यही सामने आ रहा है और कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो घटना स्थल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो उसकी मौजूदगी इन्हीं सारी चीज़ों को की ओर इशारा कर रही है। और जिस तरह से आस पड़ोस के लोग जो हैं वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है उसकी रिफिलिंग का भी काम होता था, और जिसके बाद उन्होंने शिकायतें भी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसके बाद इस तरह की बड़ी घटना हो गई, जिसमें अब तक जो जानकारी निकल कर आई, 7 बच्चों की जो नवजात थे उनकी मौत हो चुकी है। 5 बच्चे जो हैं वो जहां पर एडमिट हैं और ठीक हम उसी जगह मौजूद हैं, ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU, यहीं पर उन बच्चों को फिलहाल एडमिट कराया गया है और इनका इलाज चल रहा है। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जो बच्चे जिनकी जान गई उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो इस जगह से आगे जाने की जो इजाज़त है वो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर आपको खड़े हुए साफ तौर से नजर आएंगे उनकी ओर से नहीं है, सख्त हिदायत दी गई है। सिर्फ परिजन है उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, और कुछ परिजन अब भी ऐसे लगातार हमें मिल रहे हैं जो भटक रहे हैं और अपने बच्चे की तलाश करने में जुटे हुए हैं। कई सारे परिजन अब से कुछ देर पहले ही यहां से हॉस्पिटल में गए हैं, DNA टेस्ट होगा और उसके बाद पता चलेगा कि उनमें से कौन सा बच्चा उनका है। तो एक जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, तो जहाँ एक और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है, राजनीति हो रही है, दिल्ली BJP अध्यक्ष कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने सीधा इसका आरोप, इस घटना का आरोप जहां दिल्ली सरकार का लगाया, वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि स्वास्थ्य सचिव उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर यह तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि परिजन लगातार अपने बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं, इधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ जो नेता घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, प्लीज उन्हें खोज दीजिए। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक उस पर एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। पुलिस ने हालांकि मालिक जो है नवीन के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, तमाम जो धाराएं हैं लापरवाही से जो सेंटर है, बेबी केयर सेंटर है, उसको चलाने का आरोप उसमें लगाया है, लेकिन अभी भी वो फरार है। स्टाफ जो है जो बेबी केयर सेंटर है उसका, वो भी फरार है। तो लोग जो थे उस समय जब एक पूरी घटना हुई, तो भले ही वो स्टाफ के जो हॉस्पिटल के लोग थे वो अंदर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की जान बचाने के बजाय अपनी जान बचाने को ज़्यादा प्राथमिकता दी, और जिसका नतीजा ये तस्वीर है कि 12 बच्चे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, आस पड़ोस के लोग रेस्क्यू किए, उनमें से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, 5 बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल दुखद ये आंकड़ा जो दिव्यांकर आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि 12 बच्चे जिन्हें निकाला गया उनमें से 7 बच्चों की चली गई और 5 का भी इलाज चल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। जिस जगह ये पूरी घटना हुई, जिस हॉस्पिटल में जहां आग लगी उसके ठीक बाहर मौजूद है, मेरे साथ एक शख्स बात करने के लिए मौजूद है जो घटना स्थल पर जब ये सर पूरा हादसा हुआ तब यहां पर मौजूद थे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं जी यहीं पास में झिलमिल कॉलोनी का रहने वाला हूं। रात को 11:20 के बीच में यहां बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ,
तो हमारी पूरी कॉलोनी में आदत है कि हम एक दूसरे की परेशानी में खड़े होते हैं आके, तो हमारी पूरी कॉलोनी यहाँ पे आके खड़ी हुई तो देखा यहाँ ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आप ये सिलेंडर अगर दिखा सकें तो यहाँ सिलेंडर रॉकेट बन बन के इधर उधर जा रहे थे। यहाँ ITI के हरित क्षेत्र में एक सिलेंडर गिरा, वहाँ पर भी आग लग गई थी, और यहाँ का बहुत दिल दुखाने वाला दृश्य था, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ तो आग लगी थी, बराबर के सेकंड फ्लोर पे भी बहुत भयानक आग लग गई थी, जो कि दिल्ली फायर सर्विस ने बहुत मेहनत करके बचाया। अभी हुआ क्या यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ एक बात मुझे बताइएगा जी, जब ये सारी चीज़ें हुई तब हॉस्पिटल प्रशासन कहाँ था? आप जब यहाँ पर पहुँचे 11:30 बजे के आसपास आप बता रहे हैं पहुँचे, तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर स्टाफ नज़र आया? मैं आपको बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल प्रशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली प्रशासन या भारत प्रशासन कहाँ था जब ये 50 सिलेंडर यहाँ रोज़ उतरते थे, 50 सिलेंडर यहाँ रोज़ चढ़ते थे? अभी मैं आपको बताता हूँ, ये न्यू बॉर्न बेबी का इंटेंसिव केयर यूनिट है और यहाँ पे, लेकिन 50 सिलेंडर का क्या काम? 50 बड़े सिलेंडर तो मैं कहता हूँ GTV हॉस्पिटल में नहीं होंगे पूरे, और यहाँ पे गोदाम बना रखा था। एक बार फिर स्वागत आप सभी का, ABP न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली के न्यू बेबी केयर अस्पताल में आग के बाद अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जो बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए और अस्पताल से बच्चों को बाहर निकालने में मदद की। बेबी बॉर्न हॉस्पिटल जहां पर आग लगने की वजह से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, और बच्चों को रेस्क्यू जिस जगह से किया गया हम ठीक उसी बैक गेट पर मौजूद है, और ये वही खिड़की है जिसका कांच तोड़कर जो 12 बच्चे थे उन्हें यहाँ से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू का जो ये पूरा घटनाक्रम है वो किस तरह से हुआ, कैसे बच्चों को बाहर निकाला गया और उसके बाद यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, और जिस व्यक्ति ने ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया उससे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? नीरज। नीरज जी, आप यहाँ पर जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? हम लोग अंदर थे घर में, तो जैसे हम लोगों ने आवाज़ सुनी पीछे की साइड नहीं भागे, हम लोग गए आगे की साइड, क्या हो गया, जितने भी कोठी वाले हैं सारे निकल आए हॉस्पिटल के आगे वाली तरफ, नहीं पीछे की साइड। फिर यहाँ से हम लोग घूम के गए तो यहाँ से हम लोगों को आग लगी दिखाई दी छत पे, इसके बाद फिर घूम के आगे की साइड गए, पूरे में आगे से भी आग पकड़ रखी थी, और ये बतला रहे हैं कि सिलेंडर फटे हुए हैं, और इसके आगे फिर यहाँ से बच्चे वगैरह निकाले जितने भी आए हैं, हम लोगों ने सारों ने हेल्प करी, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे चढ़ के जीना लगाया पूरे बच्चे ने रेस्क्यू किए हैं यहाँ से। अच्छा ये बताइए, फायर की टीम आ गई थी या फिर सब आप ही जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो सब लोग आप ही सब जो आसपास के लोग ही को कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड तो बाद में आई है, जब हम लोग रेस्क्यू करने लगे यहाँ पे फिर उसके बाद गाड़ियाँ वगैरह आई हैं। कितने बच्चों को निकाला? ये 11 बच्चों के लगभग निकाले, 11-12 के बच्चों के। साफ तौर से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया गया और उसको लेकर जो यहाँ पर व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया वो बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से यहाँ पर जब आग लगी तो उस दौरान किस तरह का मंजर रहा होगा और अंदर की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो बेबी बॉर्न केयर हॉस्पिटल है उसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी छोटा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जिसमें ये जो बेबी बॉर्न केयर हॉस्पिटल है वो चल रहा था, और जिसके बाद बीते रोज़ तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो ये बड़ी घटना आग लगने की वो हो जाती है, और जिसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है वो धूं धूं कर जलने लगता है, और उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने कई जो IPC की धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन जब ये पूरी घटना हुई तब साफ तौर से अगर बात करें तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जो भी लोग यहाँ पर थे वो यहाँ से निकल गए, उन्होंने अपनी जान को ज़्यादा अहमियत दी और उन्होंने बच्चों की जान की फिक्र न करते हुए खुद यहाँ से फरार हो गए। देखिए दरअसल जहां पर नवजात फंसे हुए थे वहां का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। दिल्ली से हमारे सहयोगी दिव्यांकर की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बेबी केयर हॉस्पिटल जहां बीते रोज तकरीबन रात के 11:30 बजे के आसपास आग लगी और उसके बाद 12 बच्चों को यहां से रेस्क्यू किया गया, दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहां पर पहुंचने के बाद जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई है और 5 बच्चों का अभी भी इलाज जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है। बेबी केयर हॉस्पिटल की क्या तस्वीर है ये हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से काफ़ी
कम स्पेस यहाँ पर है और इसकी जो जांच है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। क्या एनओसी ली गई थी फायर को लेकर या तमाम जो अन्य दूसरी चीज़ें होती हैं उसको लेकर क्या एनओसी ली गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आगे वाला हिस्सा जब आग लगी इस बेबी केयर हॉस्पिटल में तो वो धूं धूं कर जलने लगा और पीछे वाले हिस्से यानी बैक डोर से जो खिड़की है वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले के लेकर जो आईपीसी की तमाम जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। नवीन चीची जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 336, 304A और 34 में FIR दर्ज की गई है। और जिस तरह से यहाँ पर स्पेस जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, खिड़की लगी हुई है और जो इसको भी जाली के सहारे यहाँ पर बंद किया गया है। अगर ये खिड़की भी इस कुछ इसी तरह होती और ये हिस्सा अगर ना खुलता तब सोचिए क्या मंज़र होता, क्या भयावह स्थिति होती। जो बच्चे जो 12 बच्चे कुछ कुल जो है वो इस हॉस्पिटल में यहाँ पर थे, बेबी केयर हॉस्पिटल के अंदर थे और जिनमें से जो जब 12 बच्चों को निकाला गया और अब तक 7 बच्चों की मौत हो गई है, 5 बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। और अगर ये जो खिड़की जहाँ से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश हुई और अगर ये खिड़की यहाँ पर ना होती तो सोचिए जो 12 में से 5 बच्चे जो अब तक जीवित हैं शायद उनके ऊपर भी जान का खतरा मंडरा रहा होता। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको नज़र आएगी, काफ़ी अफरा तफरी वाली जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर आपको बाहर नज़र आएंगी। जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर ज़मीन में पड़े हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा तमाम जो दवाइयाँ या फिर किट हैं, मेडिकल किट, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आएंगी। तो बड़ा सवाल कुल मिलाकर इसके ऊपर यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो हॉस्पिटल है इसको लेकर एनओसी जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन ने ली थी और क्या दिल्ली पुलिस जो अभी फरार हैं, हॉस्पिटल प्रशासन और तमाम जो स्टाफ हैं वो फरार हैं, उनको पकड़ने में कब तक कामयाब होगी। अब देखिए दिल्ली में जो ये हादसा हुआ है इसको लेकर एलजी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और जांच के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए हैं। 7 नवजात की मौत के बाद मुख्य सचिव को अब जांच के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए हैं। दिल्ली के हादसे को लेकर पुलिस कमिश्नर को भी एलजी की तरफ से आदेश दिए गए, व्यवस्था देखने के निर्देश। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, ये एलजी ने कहा है। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल जहां पर आग लगने से 7 नवजात की मौत हो गई और 5 बच्चों का भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस सबके इतर अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, बेबी केयर सेंटर में सिलेंडर की रिफिलिंग होने को लेकर सवाल उठाए। घटना के लिए दिल्ली सरकार, एनसीडी और फायर सर्विस को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो विवेक विहार इलाके में पहुंचे हुए हैं जहां पर बीते रोज आग लग गई थी और जिसमें 7 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। सर, आपने यहां पर मुआयना किया, क्या आपको तस्वीरें यहां पर नजर आई? दर्दनाक है और दिल्ली के पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप नरेला उठाइए, मुंडका उठाइए, अलीपुर उठाइए, करोलबाग के 2 होटल उठाइए, अनाज मंडी उठाइए, 2019 से 2024 और आज अभी कृष्णनगर में होकर आया, वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट 3 लोग चले गए। ये घटनाएं दिल्ली में होती क्यों है भाई? और दिल्ली सरकार हर बार एक जांच की नाम घोषणा करती है कि हम जांच करेंगे, उसके बाद जांच के नाम पे पैसे की लूट होती है, अपनी अपनी जेबें भरी जाती हैं और किसी जांच की रिपोर्ट आज तक किसी टेबल पर रखी नहीं गई। बताए ना स्वास्थ्य मंत्री जो सुबह यहाँ आए थे कि हम जाँच करेंगे, कोई जाँच की रिपोर्ट रखे सामने? यहाँ भी जाँच की बात कह के चले गए। मेरा कहना है कि ये जो बच्चे गए हैं जिन्होंने अपनी आँखें भी नहीं खोली थी, उनका कसूर क्या है जी कि उन्होंने उस सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया जो सिस्टम आप चला रहे हैं? अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है, अगर यहाँ पर फायर सर्विसेज टाइम पे नहीं पहुँची हैं और अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, आपके डिपार्टमेंट की थी, आप अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते। आसपास के लोग जब हमने बात की तो उनका कहना है सिलेंडर रिफिलिंग का काम यहाँ पर होता था। क्यों हो रहा था, कौन चेक करेगा? दिल्ली सरकार करेगी ना, काम दिल्ली सरकार का है, क्यों नहीं रोका उसको? नगर निगम का विभाग क्या कर रहा था? वो भी तो हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं, उन्होंने चेक क्यों नहीं किया? तो हर वो व्यक्ति जो इस सिस्टम का दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर एक बारूद फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ जिसकी गूंज 5 किलोमीटर तक सुनाई थी। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल हो गए हैं जबकि कई मजदूर भी घायल हैं। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मामले पर उच्च स्तरीय जांच होगी। ये धमाका इतना भीषण था कि ब्लास्ट का मलबा 1 किलोमीटर दूर तक जाकर गिरा। जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर 10 फीट का गड्ढा हो चुका है। अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में यह धमाका हुआ है, 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिसमें से कई मजदूर हैं। ये देख सकते हैं कि बारूद फैक्ट्री में जो पूरी बारूद फैक्ट्री है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको पल पल की खबर दिखा रहा है कि आखिर बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए और 8 से 10 लोग लापता हैं। ऐसा आरोप है परिजनों का कि वो लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पे देख सकते हैं कि जो बारूद फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जो पूरी बारूद फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेस्क्यू बड़ा धीरे धीरे था, फिर परिजनों ने लगातार जो है जो गेट पे धरने पे बैठे हुए वो लोग जो है जब नाराज हुए, लगातार धरने पे बैठे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया गया, कुछ और जेसीबी मंगाई गई है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मंगाई गई है क्योंकि बारूद है इस पूरे इलाके में, तो पहले इस पूरे एरिया को जो है गीला किया जाएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे खुदाई की जाएगी। चैन माउंटेन मशीन जो है यहाँ पर लगी हुई है, वो रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पर जो खंडहर में तब्दील हो चुका है ये बारूद फैक्ट्री, उसे जो है मलबे को निकाला जा रहा है। मलबे आइए सीधा लेकर चलेंगे बिहार के औरंगाबाद, अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीत कर सरकार बनाने का काम पूरा, ये छठा और सातवा ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना, तो भाई कैसे बनाओगे? मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, काराकाट वाले प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे बोलो। चलो मैं रास्ता बताता हूं, ये हमारे कुशवाहा जी है ना, उनके नाम के सामने बटन दबाइए, मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया हुआ 1-1 वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। ये जो मुकाबला है कैसा मुकाबला है भाइयों बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया हुआ इंडी अलायंस है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 1 पैसे का आरोप नहीं है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी बिहार वालों
मुझे बताओ बिहार की जनता ये भ्रष्टाचारियों के साथ है या नरेंद्र मोदी के साथ है? जोर से बोलिए, ये भ्रष्टाचारियों के साथ हो या नरेंद्र मोदी के साथ हो? भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा क्षेत्र एक जमाने में नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र था। ओबरा प्रखंड में बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी यूपी के घोसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, सीधे लेकर चल रहे हैं। मतदान से पहले हमारा पूर्वांचल मन बना चुका है, बीजेपी को जिताना है, एनडीए को जिताना है, पूर्वांचल के गरीब बेटे को ताकत देगा जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर रहा है। पूर्वांचल उसे ताकत नहीं देगा जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है, आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। बड़ी खबर, आरजेडी पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। जेपी नड्डा ने कहा, तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे, बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाह रहे हैं, स्वार्थी पार्टियों का कोई धर्म नहीं। जेपी नड्डा ने यह कहा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला, नौकरियों के नाम पर जमीन खा गए, ऐसे घोटाले किए। और सबसे बड़ी बात, आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं, बिहार में जंगल राज देखा। आप भूल गए होंगे जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हां। ये सच था कि नहीं था? बोलो, किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो, हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो, अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो, फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारनामे, इसको क्या?